शनिवार सुबह ये खबर आई कि क्रिकेटर शिखर धवन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। अपनी कई पारियों से टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले और फैंस के लिए खुशियां लाने वाले शिखर धवन को क्रिकेट से क्यों रिटायरमेंट लेनी पड़ी, आज आपको बताऊंगा। उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और इसी के साथ जो है उनका क्रिकेट करियर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट करियर था, वो संपन्न हो गया है। मतलब अब शिखर धवन टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए नहीं दिखने वाले। क्यों ली उन्होंने रिटायरमेंट, अगर हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, जो पहला कारण समझ में आता है वो ये है कि काफी लंबे समय से वो टीम इंडिया से बाहर थे और उनकी जगह टीम में नहीं बन पा रही थी, तो ये एक बड़ी वजह है। देख, जो आखिरी वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेला वो 2022 में खेला था, तो तकरीबन 2 साल से वो टीम इंडिया से बाहर थे। वो वनडे की हम बात कर रहे हैं। अगर आप T20 इंटरनेशनल की बात करें तो 2021 में जो है उन्होंने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था, तो वहां से आप 3 साल देखते हैं। और अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करें तो वहां आखिरी बार 2018 में जो है उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, तो इतने लंबे समय से वो भारतीय टीम में जगह बना पाने में सफल नहीं हो सके थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि ये रिटायरमेंट के लिए सही वक्त है। अब अगर हम दूसरे कारण पर जाएं तो वो कारण ये है कि उन्हें लगा कि अब उनका रिप्लेसमेंट जो है वो टीम को मिल गया है। कई युवा खिलाड़ी टीम में आ गए जिनमें आप शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं। इन दोनों नए खिलाड़ियों ने लगातार प्रदर्शन किया और टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। अगर आप देखें तो जो शुभमन गिल हैं वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा बन गए हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो या T20 इंटरनेशनल हो। तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल जो हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और टेस्ट क्रिकेट में वो रोहित शर्मा के जोड़ीदार के रूप में स्थापित हो गए हैं और इस कदर स्थापित हुए हैं कि शुभमन गिल को ओपनिंग की जगह खाली करके 3 नंबर पर आना पड़ा। तो इसलिए शिखर धवन को लगा कि अब उनके लिए वापसी संभव नहीं है और इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब अगर हम तीसरे कारण की ओर जाएं कि शिखर धवन ने क्यों रिटायरमेंट ली, तो एक वजह जो है उनकी बढ़ती उम्र और फिटनेस भी है। क्रिकेट के लिए 38 साल की उम्र कम नहीं होती और उन्हें लगा कि बहुत जल्दी वो टीम में आ नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा कि ये समय है कि क्रिकेट को अलविदा कह दिया जाए। क्योंकि अगर आप पिछले आईपीएल की भी बात करें, जो इस बार आईपीएल खेला गया, उसमें भी शिखर धवन चोटिल रहे और पंजाब के कई मैचेस से वो बाहर रहे और यहां तक कि उनकी जगह सैम करन को कप्तान बनाना पड़ा पंजाब को, तो ये चीजें बताती हैं कि अपनी फिटनेस से वो जूझ रहे थे। एक्चुअली 2019 में जो वर्ल्ड कप का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें कि उन्होंने शतक भी लगाया था, उस मैच में उनके अंगूठे पर चोट लगी थी और उसके बाद से वो इंजरी से परेशान रहे और फिर वो वहां से टीम के अंदर बाहर होते रहे। हालांकि इन सब के बीच उन्हें टीम की कप्तानी भी मिली, लेकिन जो प्लेइंग 11 में जगह सुनिश्चित करने की बात होती है वो कर पाने में शिखर धवन सफल नहीं हो सके। जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण आप कह सकते हैं वो ये भी है शिखर धवन के रिटायरमेंट लेने का, कि वो चयनकर्ताओं के फ्यूचर प्लान में शामिल नहीं थे।
मतलब जो सेलेक्टर्स होते हैं, जो टीम इंडिया का सिलेक्शन करते हैं, जब वो फ्यूचर की ओर देखकर टीम बनाते हैं, तो उस प्लान में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, कौन से नहीं हैं, ये खिलाड़ियों को अच्छे से पता होता है। जैसे आप देखिए T20 का जो अभी विश्व कप हुआ, तो पहले ये बात कही जा रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जब रोहित शर्मा तैयार हुए खेलने के लिए तो चयनकर्ताओं के प्लान का वो हिस्सा थे। चयनकर्ता उन्हें T20 इंटरनेशनल में एक मौका और देना चाहते थे, और इसी वजह से जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में खेले और टीम को चैंपियन भी बनाया। लेकिन शिखर धवन उस तरह से चयनकर्ताओं के प्लान का हिस्सा नहीं रहे, और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि उनका जो फॉर्म रहा है रिसेंट पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात कर लें, तो वो उतना बेहतर नहीं रहा है। जहां उन्हें स्टार्ट तो मिले हैं, उसे वो बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर सके हैं, और इसके अलावा स्ट्राइक रेट जो है वो एक कंसर्न था, और इस सारी चीजों की वजह से वो सेलेक्टर्स के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं बन सके। और जब शिखर धवन को लगा कि वो सेलेक्टर्स के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है, तो ये बेहतर है कि अब क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए, और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कारण है कि जीवन में एक पल ऐसा आता है जहां से आपको मूव ऑन करना होता है, और यही काम जो है शिखर धवन ने किया, जैसा कि उन्होंने पोस्ट भी किया कि ये वक्त है कि आप पन्ना पलट दें। तो पन्ना पलटने का वक्त उन्होंने महसूस किया अपने लिए, और उन्होंने सोचा कि अब जो क्रिकेट का पन्ना था उसका वक्त निकल चुका है, और इसलिए उस पन्ने को वो पलट देते हैं, और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो ये हैं वो 5 कारण जिनकी वजह से शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, यहां तक कि घरेलू क्रिकेट से भी रिटायरमेंट की बात उन्होंने कह दी है। लेकिन शिखर धवन से जुड़ी कई यादें हैं, उनकी कई पारियां हैं जो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। खास करके उनका सेलिब्रेशन करने का तरीका हमें हमेशा याद रहेगा। गब्बर के नाम से प्रसिद्ध हुए शिखर धवन गेंदबाजों के लिए जो है बिल्कुल काल थे, और आप कह सकते हैं कि गेंदबाजों के प्रति वो बहुत क्रूर थे। जो विपक्षी गेंदबाज होते थे उनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा था जब वो बेहतर फॉर्म में थे, 2013 से 19 के बीच में रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन, ये एक तिकड़ी हुआ करती थी भारतीय टीम के लिए, और इन तीनों में से कोई एक स्कोर करता था और टीम इंडिया मुकाबला जीत जाती थी। तो कई बेहतरीन पारियां हैं, और एक जिंदा दिल इंसान है शिखर धवन, और निश्चित तौर पर वो जिस भी फील्ड में आगे जाएंगे नए फील्ड में, तो वहां भी उसी जिंदा दिली के साथ वो काम करते रहेंगे। मुश्किल से मुश्किल वक्त हो, आप शिखर धवन को मुस्कुराते हुए ही पाएंगे। चाहे आप पर्सनल लाइफ की बात कर लीजिए, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लीजिए, कई मुश्किल वक्त उनकी जिंदगी में आए हैं, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखे। और शिखर धवन के बारे में जो एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि उनकी स्माइल देखिए तो देख कर लगता है कि वो बहुत प्योर है। तो ये उनकी खूबसूरती है, और हमें उम्मीद है कि वो जिस भी क्षेत्र में रहेंगे, ये खूबसूरती, ये स्माइल, ये खुशियां, ये जिंदा दिली वो वहां भी फैलाएंगे। हम उनके भविष्य के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।